गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे। मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक रही थी। मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी भी लगवा लूँ करवे के लिए, बट मैं नहीं लगवा पाई। तो मैंने अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, जिसमें मैंने सांभर इडली ऑर्डर किए हैं। एंड उसमें भी मैंने जो इडली ऑर्डर किया है वो बहुत अलग सी इडली है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और अभी मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ टी, तो चलो मैं वो आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, फाइनली जो मैंने ऑर्डर किया था वो था सांभर, और साथ में 14 मिनी इडलीस, और साथ में हमारी ये चटनी है, एक गोले की चटनी है और एक दूसरी चटनी है। साथ में मैंने एक्स्ट्रा गोले की चटनी और ऑर्डर की थी, और ये सुंदराम से है जो है पूरा। तो अभी हम खाएंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे कैसा है। और साथ में मैंने अपनी चाय बनाई ली थी, ये है हमारी अदरक तुलसी वाली चाय। तो मैं कर लूँ अपना लंच और ब्रेकफास्ट सबको साथ में, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ऑब्वियसली मैं सारी नहीं खाने वाली हूँ, बट चलो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। गुड आफ्टरनून गाइस, आज मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है जिसको हम बोलते हैं खचरा कढ़ी या फिर कचरा कढ़ी, मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो कॉमेंट में मुझको ज़रूर बताना। और इसको बेसिकली हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि इसमें भिंडी है, गाजर है, बैंगन है और आलू है, प्याज है, और भी इसमें बहुत कुछ होता है। तो अगर मुझे ये पसंद आएगी तो मैं इसकी फुल रेसिपी भी बनाऊंगी, और अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपने ट्राई करी है तो भी मुझे बताना कैसी लगी थी। और उसमें लिखा था कि हम इसको बेसिकली वाइट राइस के साथ ही खाते हैं, ऑथेंटिक ये रेसिपी। अगर ऐसी है तो मुझे बताना, मैं नहीं जानती, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई आउट कर रही हूँ। और अगर मुझे पसंद आई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और ये पीछे मैं ही दिखाई दे रही हूँ मिरर में। तो कैसे हो आप सब, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जिन लड़कियों का फास्ट है और जो मैरिड हैं उनका फास्ट है, अनमैरिड भी कुछ कुछ रखती हैं। वैसे मैंने तो कभी नहीं रखा, एंड मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है जब आपकी शादी एंड ऑल हो जाए तभी आपको रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कैसे करना है और सही है या नहीं है शादी से पहले रखना। अगर आपको क्या लगता है कि शादी से पहले आप फास्ट रख सकते हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट मुझे मेहंदी ज़रूर लगवानी थी क्योंकि मुझे अच्छी लगती है कभी कभार मेहंदी। पूरे साल तो ऐसे याद नहीं रहती, काम में बिजी होता है, बट मैंने सोचा कि अभी याद होती है सब लगवाते हैं। तो कल जब मैं रात को गई थी, छोटी छोटी लड़कियों ने भी मेहंदी लगवा रखी थी, और तो मुझे ओवर एक्साइटमेंट हो गई, चलो मैं भी लगवा लेती हूँ। मैंने 2 घंटे वेट किया बट मेरा नंबर नहीं आया। हमारी सोसाइटी के अंदर ही एक कैंप टाइप लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था मेहंदी का, स्टॉल लगा हुआ था, तो मेरे तो खैर मेहंदी नहीं लग पाई, देख सकते हो आप। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, वो भी आपको क्लिप आगे देखने को मिलेंगी, कैसे मैं रात को गई थी लगवाने बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, जस्ट करवा चौथ है इसलिए नहीं, करवा चौथ है कह सकते हो, मैं तो बाहर जा रही हूँ देखने कि कौन कौन आंटी और जो भी न्यूली मैरिड है खाने आते हैं आज के दिन, क्या क्या खाते हैं और कितना रश होगा बेसिकली आज मार्केट में, मुझे वो देखना है। तो अभी मैं जाऊंगी उसको एक्सप्लोर करने कि कैसा होगा आज मार्केट और कैसा चल रहा है मार्केट में। तो मेरा तो मेन मोटिव वो है, और मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। मैं सुबह से चीले खा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने चाय, ब्रेड एंड ऑल चिप्स वगैरह खाए थे। तो अभी मैं जाऊंगी गोलगप्पे एंड जो जो खाऊंगी वो आपको दिखाती रहूँगी। तो फाइनली गाइज, मैं जस्ट किडिंग, और मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा देती हूँ। वैसे फास्ट तो मैंने भी नहीं रखा, फास्ट उसने भी नहीं रखा, तो मैंने इसलिए फास्ट नहीं रखा क्योंकि जब वो फास्ट नहीं रख रहा तो मैं क्यों फास्ट रखूँ, है ना। आपको क्या लगता है, जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड फास्ट रखे बस तभी फास्ट रखना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको फटाफट मिलवा देती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से। चलिए। ठीक है, हेलो बोल देना बस, ठीक है। तो गाइज, वो थोड़ा सा शर्मा रहा है, फर्स्ट टाइम है, तो मैं रिवील कर रही हूँ, फाइनली मैं रिवील करने जा रही हूँ, ठीक है। हेलो बोल देना बस, हेलो। बहुत ज़्यादा शाही है बट आप सबके लिए, आप सब मेरी फैमिली हो, तो फाइनली मैं मिलवा देती हूँ। एक सेकेंड को मैं बैक कैमरा कर देती हूँ। इज फाइनली मेरा बॉयफ्रेंड ये रहा, माई गुड, लव यू बेबी, से लव यू टू।
लव यू बेबी। गाइस ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड गुड्डू। और आज मुझे कमेंट सेक्शन पे इंस्टा पे किसी ने पूछा भी था और हमारा गुड्डू कैसा है, तो गुड्डू बहुत फिट है, अभी फिट हो गया है, थोड़ा सा पतला हो गया है, तो हम इसको डाइटिंग करा रहे हैं अपने साथ साथ। एंड इसने मेरे लिए फास्ट नहीं रखा, मैं बड़ी सैड थी, तो मैंने भी इसके लिए फास्ट नहीं रखा। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, करवा चौथ से एक रात पहले मैंने भी सोचा था कि मैं मेहंदी लगवाऊं, तो मैं उसी को ढूंढते हुए अपनी सोसाइटी से निकली। मैंने स्टॉल पर मैं गई, वहाँ पर मैंने उनसे काफ़ी बार पूछा, तो वेटिंग एंड वेटिंग पे मेरा नंबर आ रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स का वेट किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड लास्ट में मैं अपने घर वापस आ गई। बड़ी दुख हुआ मुझको ऐसा, बट क्या कर सकते हैं, सब मेहंदी लगवा रहे थे आज, छोटे छोटे बच्चों की भी मेहंदी लगवा रही थी, पर ये छोटी छोटी लड़कियां मेहंदी लगा के ऐसे डांस कर रही थी। इनको देखने के बाद तो और ज़्यादा ऐसे मन करा कि यार मैं भी लगवा पाती, काश। और ये करवा चौथ वाले दिन हमारे यहाँ की जो सोसाइटी की आंटीज़ थी, उन्होंने डेकोरेशन एक सेटअप सा बनाया था, जिसमें उन्होंने एक चादर के ऊपर माला एंड ऑल लगाई थी। यहाँ पर ये बैठ के इन्होंने कथा करी थी और फिर साथ में आंटियों ने फ़ोटोशूट करा था, तो आंटियों के तो मज़े आ रखे थे बल्ले। फिर यार घर पे बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रही थी, मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ एक्साइटिंग करूँ यार, सारी आंटियों को देख के और कपल्स को देख के। तो मैं भी निकल गई कि मैं इनका कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आज मार्केट कैसा होगा करवा चौथ पे, क्योंकि जब छोटे होते थे तब तो हम नहीं जा पाते थे, घर पर मम्मी के साथ ही सब कुछ ऐसे सेलिब्रेट करते थे मम्मी पापा के साथ। तो हम यहाँ पर आए चंडीगढ़ हवेली और बैठक के पास, जैसा कि आप देख सकते हो चंडीगढ़ हवेली आई थी मैं, और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है कला ग्राम में, तो हम वहाँ पर विज़िट किया मैंने और मेरी फ्रेंड ने। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भैया लोग कोई मेहंदी लगा रहे थे, कोई टैटू बना रहा था और कुछ बैलून भेज रहे थे भी, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पर मिल रहा था। तो आप यहाँ पर विज़िट करना, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सामान मुझे यहाँ पर देखने को मिला। और ये हमारा चंडीगढ़ का नेशनल क्राफ्ट मेला, यहाँ पर ज़रूर आना आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने अंदर देखी, कुछ अपने लिए ख़रीदी भी हैं, और बहुत ही अच्छा मेला है। और इसमें इतनी डेकोरेटिव सामान है, कपड़ा इतना अच्छा है, पंजाब से लेके आपको कश्मीर से लेके हर टाइप का यहाँ पे आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। और काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे थे, जैसे कि करवा चौथ था, मुझे लगा था कि इतनी भीड़ नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी दिन के टाइम के अकॉर्डिंग भी, आई थिंक 4 या 3:30-4 का टाइम। और गाइस आपको यहाँ पर टिकट लेके अंदर जाना होता है, और जो टिकट के रेट्स हैं वो सिर्फ 40 रुपीज़ हैं पर पर्सन, तो कन्वीनियंट है, कोई भी जा सकता है, यंग एज का भी जा सकता है, जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं कपड़ों से लेके, शूज़ से लेके, और डेकोरेटिव आइटम से लेके, और खाने के तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग व्यंजन हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चों के सामान, जो मुझे फ़र्स्ट स्टॉल मिला था, मैं तो इनसे खेलने ही लगी थी, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि जब हम बचपन में जाते थे तो वो सब याद आ रहा था। जब हम देवबंद में अपने मेले में जाते थे तो मैं तो काफ़ी सारी शॉपिंग करती थी, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करती थी, तो वही सब मुझे याद आ रहा था, और मैं उनके साथ खेल रही थी। और यहाँ पर बहुत स्वीट लोग थे, तो कोई ऐसे कुछ बोल भी नहीं रहा था, आप ईज़िली कुछ भी जाके देख सकते हो और चेक कर सकते हो जो आपको और पसंद है। तभी मार्केट में इतना ज़्यादा कपड़ा था बनारस से लेके छत्तीसगढ़, पंजाब, कश्मीर का, मैंने अच्छे से उन सबको कैप्चर किया है डिटेल्स के साथ और साथ में रेट के साथ, तो वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत ही डेकोरेटिव आइटम्स भी था जो मिट्टी के बर्तनों से बना था, तो लाइक ये आप अपने लोकल को सपोर्ट कर सकते हो, वोकल फॉर लोकल जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, तो मैं भी उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। यहाँ पे मिट्टी के आइटम्स बहुत सारे मिलेंगे हैंड क्राफ्टेड, वैसे बेसिकली यहाँ पे सब कुछ हैंड क्राफ्टेड ही है, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, आप भी जाके खरीद सकते हो, और दिवाली के लिए बहुत अच्छा अच्छा आइटम आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसे इन्जॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा अच्छा डांस कर रहे थे, कुछ राजस्थानी, पंजाबी, तो मैं भी चाह रही थी मैं उनके साथ डांस करूँ, वो मेरा मिस हो गया, तो दैट्स इट गाइस। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं कल करवा चौथ पे गई थी कलाग्राम, मेरा कोई फास्ट वगैरह कुछ नहीं था, ओब्वियसली क्यों होगा मेरा फास्ट, वो भी आपने अभी तक देख ही लिया होगा, मैंने आपको अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दिया है। बट मैं गई थी और हम गए थे एक्टिवा पे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, मुझे नहीं पता था वो इतना दूर होगा, बट हम मस्ती मस्ती में निकल गए, उसके वजह से अब मुझे पूरी मेरी नोज़ जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, रात मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, जबकि मैंने ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स का वो सूट पहना था,
बट इतनी ठंड है, इतनी ठंड हो चुकी है अब, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, तो मेरा तो बुरी हालत हो चुकी है। तो जब हम वहाँ गए थे, वो एक क्राफ्ट मेला है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सॉरी, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं क्राफ्ट की, हैंडमेड्स की, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा कुल हो रहा है, क्राफ्ट की, हैंडमेड्स की। तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी भी हैं, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और जो वो मेला है वो भी पूरा मैं आपको अगले व्लॉग में पूरा विज़िट कराऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा मेला है, मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से उसकी वीडियोस बनाई है। बट अगर मैं इसी व्लॉग में उसको डाल दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लाइक 30 मिनट्स का, तो वो इतना इतना टाइम समझ ही सकते हो आप। तो इसलिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट व्लॉग बनाया जो आपको कल देखने को मिलेगा, एंड वहाँ पे आप विज़िट ज़रूर करना। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद वहाँ से परचेज़ किया है काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रेट पे आपको मिलेंगी, और बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, और सारी जो है वो हैंड क्राफ्टेड है बहुत ही ज़्यादा। मैंने लाइक विंटर्स के लिए स्लीपर्स खरीदी हैं जो खुद कश्मीर से बनाई गई हैं, वो हैंड से बनाई गई हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ही कन्वीनियंट रेट पे है। जस्ट वो मैंने ली थी 100 रुपीज़ में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे वैसे इसी तरीके से मैंने वहाँ से स्पेशली एक दुपट्टा ख़रीदा है, वो भी हैंडमेड है, वो मैंने आई थिंक 250 या कुछ का था, वो मैं आपको सारा जो रेट एंड ऑल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, और खाने की बहुत बहुत आइटम्स हैं, मैंने तो पेट भर भर के खाया है। लाइक मैंने गुजरात का ढोकला कढ़ी फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, एंड ढोकला कढ़ी और खांडवी कढ़ी फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी मैंने, मुझे अच्छी लगी। सो मैंने बिहार की डिश ट्राई करी थी, लेठी चोखा, जो ऐसे दाल से और आटे से बना होता है, और उसके साथ उसमें जो ऐसे चोखा होता है उसमें टमाटर, आलू, प्याज और चटनी का वेरिएशन होता है, काफ़ी अच्छा वो मुझे लगा। उसके बाद मैंने महाराष्ट्रियन डिश भी ट्राई करी, वो सब आपको इसी ब्लॉग में देखने, नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, सॉरी। देन मैंने गुजरात की भी खाई थी, देन मैंने राजस्थान की भी खाई थी, सिक्किम के मोमोज खाए थे मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा खाया था कल, मैं नहीं बता सकती, और उसके बावजूद भी मैं बीमार हो गई हूँ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, दिशा द लाइफ। एंड हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ खाई थी उसके मैंने कुछ स्पेशली शॉर्ट्स बनाए हैं, तो वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर चेक कर सकते हो, सेम दिशा द लाइफ के नेम से, काफ़ी वेरिएशन है उनमें और आपको देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है कि मैंने क्या क्या खाया था, और देखो जाके जल्दी जल्दी। बाय बाय।